जो भी आगे बढ़ेगा यही मारा जाएगा। कौन है ये गुस्ताख लड़का? रक्षक हूं, अबला नारी का, आदिल शाह के हर अत्याचार का। अरे ये कमबख्त तो वही मराठा नौजवान है जिसने हमारे बेटे और सुल्तान आदिल शाह के शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत की थी। तेरी जरूरत और बेबकी पर दाद देने का दिल चाहता है। हमारी तौहीन करने के बाद भी हमारे दरबार में आने की हिम्मत हो गई तेरी? हुजूर, आपने निमंत्रण भेजा, हम आ गए। उस्ताद, कौन है तू? हम शिवाजी राजे भोसले हैं, जीजाबाई और शाहजी राजे भोसले के बेटे हैं। शाहजी, ये बेगम हुजूर, ये हमारा बेटा है। गिरफ्तार कर लो इसे। सुल्तान हजरत, इसकी नासमझी के लिए हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। अभी तो ये दरबारी शिष्टाचार और रीति रिवाजों से बेखबर है। इसके हाथों से जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। नहीं बाबा साहेब, अनजाने में नहीं, खूब सोच समझ कर किया है हमने। अबला नारियों पर अत्याचार कोई कैसे सहन कर सकता है? और हम जानते थे ये दुष्ट सुल्तान आदिल शाह का ही कारिंदा है। खामोश! जी महाराज, आपने अपने बेटे को सुल्तान के सामने सिर झुकाना नहीं सिखाया। और उसके बावजूद ये सरकश गुस्ताखी पे गुस्ताखी किए जा रहा है। हमारे माता पिता ने हमें कुर्निश करना सिखाया है। और हम कुर्निश अवश्य करेंगे।
सिर हमारा झुकेगा अपने बाबा साहिब के सामने। बेअदब, तुम्हें बादशाह सलामत के सामने बात करने की तमीज नहीं? ये आलीजा हैं, बीजापुर के बादशाह। बादशाह? कैसे बादशाह हैं? खुद इनके ही महल के सामने लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, वहां हमें अपनी प्रजा के बादशाह तो नहीं दिखाई दिए? इस राज्य में जगह जगह से मासूम लड़कियां खींच खींच कर उठाई जा रही हैं, फिर भी बादशाह हजरत उनकी फरियाद नहीं सुन पा रहे। हमारी माँ साहिब कहती हैं, राजा वो होता है जो हर पल अपनी प्रजा के हित का ध्यान रखे। निष्पक्ष न्याय करे, अत्याचारियों को दंड दे, परंतु इनमें हमें राजा का कोई गुण दिखाई नहीं दे रहा। बहुत, बहुत हुआ, इस गुस्सा का सर कम कर दिया जाए। ये आदिलशाही दरबार है, कोई जंग का मैदान नहीं। नहीं अभिजान, इस वक्त आप दखल ना दें। हम आपके दरबार में दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करना चाहते थे साहबजादे, लेकिन इस वक्त हमारा बीच में आना जरूरी था। आप सुल्तान हैं इस आदिलशाही सल्तनत के शहंशाह, और शहंशाह को अपना गुस्सा पी जाना बाखूबी आता है। ये हमारे वफादार मराठा सरदार शाहजी का बेटा है, और शाहजी ने तो अपनी वफादारी का सबूत कई मर्तबा आपके सामने पेश किया है। इसीलिए हम नहीं चाहते कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से हमारे रिश्ते में कोई भी तल्खी आए। और आप शाहजी साहब, आप ये कभी मत भूलिएगा कि हम यहाँ के हुक्मरान हैं और आप हमारी रियाया। आप सुन रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? इस सल्तनत के हर हुक्म को मानना आपका फर्ज ही नहीं, ईमान भी है। इसीलिए ले जाइए अपने इस सरखश लड़के को यहां से, और इसे अच्छी तरह से समझा दीजिए कि सुल्तान आदिल शाह के दरबार में मराठे इस तरह से पेश आते हैं।
दरबार बर्खास्त। कत्ल करने से क्यों रोका हमें अम्मी जान? इन मराठों को दबा के रखने की जरूरत है। ये सिर्फ तलवार की जुबान समझते हैं, सिर्फ तलवार की। आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है दरबार में आदिल शाह के खिलाफ मराठों ने न सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की बल्कि तलवारें निकाल ली। ये सब सिर्फ उस बददिमाग मराठा लड़के की वजह से हुआ। याद रखिए, अपने आसपास होने और साथ देने वाले सरदारों के साथ सख्ती करके हम खुद उनके सीने में बगावत के बीज बो देंगे। मराठा ऐसा नहीं भूलते और ऐसे लोगों पर एहसान के जरिए ही इंतकाम लिया जाता है। ताउम्र आपकी गुलामी करेंगे। आज आपने शाहजी के बेटे की जान बख्श के उन्हें अपना गुलाम बना लिया है। देखा नहीं था कैसे शिवा की हिफाजत के लिए आपके खिलाफ आप ही के दरबार में सैकड़ों तलवारें तन गई थी? उस वक्त खुलेआम अगर आप उसे सजा दे देते तो सारे मराठा आपके खिलाफ हो जाते। तो क्या ऐसी सूरत में ऐसा करना मुनासिब होता? अगर आप मुगल शाह शहनशाह शाहजहां का तख्ता पलटना चाहते हैं तो सारे मराठा को साथ लेकर चलना जरूरी है, और ये तभी मुमकिन है जब आपके एक इशारे पर सारे मराठा अपनी गर्दन कटवाने को राजी हो जाए। अब आप समझ गए हमने ऐसा क्यों किया? वाह मिजान, वाह! सियासत की बिसात पर चाल चलना कोई आपसे सीखे। मिजान, जब तक आपका साया हमारे सिर पे है, फिर तो पूरे हिंदुस्तान पर आदिल शाही हुकूमत का परचम लहराने से हमें कोई नहीं रोक सकता।